स्टडी मैथ सब्जेक्ट ओके सो प्लीज एवरीवन ओपन योर बुक थीम वन ओके एंड पेज नंबर 35। आज हम पेज नंबर 35 में क्या स्टडी करेंगे सो प्लीज एवरीवन लुक एट द बोर्ड प्लीज मिक्स्ड शेप ओके क्या स्टडी करेंगे मिक्स्ड शेप ओके कलर क्या कलर करना है व्हाट इज दिस दिस इज अ सर्कल ओके इसमें क्या करना है ग्रीन सर्कल में ग्रीन कलर करना है एंड दिस इज अ रेक्टेंगल ओके रेक्टेंगल में कौन सा कलर करना है ऑरेंज कलर ओके ग्रीन कलर सर्कल में ऑरेंज कलर रेक्टेंगल में करना है एंड काउंट देम हमें उसे काउंट करना है ये दिख रहा है आप लोगों को ये बने हुए हैं मिक्स्ड शेप ओके सर्कल रेक्टेंगल इस प्रकार से इसमें मिक्स्ड शेप दिए हुए हैं इसे आप लोगों को कलर करना है एंड काउंट करना है ओके ये है पूरा हमारा ये क्या है ये ऊंट ओके कैमल बोलते हैं जिसे इसके अंदर पूरे ये शेप बने हुए हैं और इस शेप को कलर करने के बाद इसे काउंट करना है ओके सो क्या करना है हमें ग्रीन कलर किसमें करना है सर्कल में ओके लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि सर्कल कैसा होता है सर्कल मीन्स गोल ओके दिस इज अ सर्कल है ना तो सर्कल में हमें क्या करना है ये ग्रीन कलर ओके चलिए ग्रीन कलर से कलर करते हैं हम ये है सर्कल एंड इसे हम ग्रीन कलर से कलर करेंगे इस प्रकार से वन सर्कल एंड टू सर्कल थ्री सर्कल हाँ इस प्रकार से काउंट भी करते जाते हैं और हम कलर भी करते जाते हैं फोर सर्कल एंड फाइव सर्कल काउंट एंड कलर ओके सिक्स सर्कल ये हो गया सिक्स नेक्स्ट सेवन है ना सेवन सर्कल एट सर्कल जितने भी सर्कल है केवल उसे ग्रीन कलर से ही हमें उसे कलर करना है ना ग्रीन कलर से ही तो जितने भी सर्कल है वो ग्रीन कलर से कलर हो गए हैं और हमें अब क्या करना है इसे ऑरेंज कलर से करना है जितने ये दिख रहे हैं इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे रेक्टेंगल दिस इज अ रेक्टेंगल शेप ओके जितना दिख रहे हैं ये कौन सा शेप है ये रेक्टेंगल शेप ओके दिस इज रेक्टेंगल शेप इसे कौन से कलर से करना है बच्चों इसे हमें करना है ऑरेंज कलर से ओके ये हमने ऑरेंज कलर कर दिया इस प्रकार से ऑरेंज कलर से हमें पूरे रेक्टेंगल को करते जाना है कलर करना है ये वन टू ये है थ्री साथ साथ हम लोग काउंट भी करते जाते हैं लास्ट में एक बार और काउंट कर लेंगे है ना इस प्रकार से जितने रेक्टेंगल है सभी को हमें ऑरेंज कलर से कलर करना है यहाँ भी कर देते हैं ये है ऑरेंज कलर ओके ये है ऑरेंज एंड इसे कौन सा कलर करना था ग्रीन है ना ये सबको समझ में आया क्या करना था हमें आज सिंपल सा है ये पिंक बनी हुई है इसमें ये है कैमल की पिंक और इसके अंदर जितने मिक्स्ड शेप दिए हुए हैं इस मिक्स्ड शेप में सर्कल है और है रेक्टेंगल तो इन सर्कल को करना है हमें ग्रीन कलर एंड और रेक्टेंगल को करना है हमें ऑरेंज कलर ओके और उसके बाद हमें क्या करना है काउंट करना है तो देखिए ग्रीन कलर हो गए सर्कल अब हम क्या करेंगे सर्कल को काउंट करेंगे लेट्स काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हाउ मेनी सर्कल नाइन सर्कल ओके तो ये है हमारा सर्कल हमें यहाँ पे क्या राइट करना है ये हमें यहाँ पर इसका काउंट
लिखना है। ओके, तो सर्कल की संख्या कितनी हुई? हाउ मेनी सर्कल्स? सर्कल 9 सर्कल। ओके, एंड अब हमें क्या करना है, इसे काउंट करना है रेक्टेंगल को। 1 2 3 4 5। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स? 5 रेक्टेंगल्स। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, 5 राइट किया। ओके, और इसे भी हम कलर कर देते हैं। इस प्रकार से 9 सर्कल्स एंड 5 रेक्टेंगल्स हो गए। ओके, सभी को समझ में आया बच्चों? ये है आप लोगों का क्लास वर्क, और इस क्लास वर्क में हमने जो जो किया आपको समझ में आया। ग्रीन कलर से हमें इसे सर्कल को करना था, ऑरेंज कलर से रेक्टेंगल को करना था, तो हमने कलर कर दिया और काउंट करके वहां पर हमने उसकी नंबरिंग कर दी। ओके, अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहेगा, ये है आपका होमवर्क। ओके, सेम एस क्लास वर्क, सेम एस क्लास वर्क। ओके, जिस प्रकार से क्लास वर्क में आपको हमने वर्क करवाया है, वैसे ही आपको सेम अपने होमवर्क की होमवर्क में भी यही करना है। ओके, और आप लोगों को ये प्रैक्टिस करना ही है। अगर आपको ये सेफ नहीं बन रहा है तो आप कैसे भी करके ये जरूर बनाइए, और इसमें कलर करके इसके सेफ आप लोग लिखेंगे और उसकी नंबरिंग करेंगे। और बुक में भी आप लोग पेज नंबर 35 में ये जो दिया हुआ है, आप इस पे बुक में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कॉपी में भी आप अपने नोटबुक में भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, अब हमारा ये जो थीम 1 है ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, और आप लोग डेली वर्क कीजिए, रिवीजन कीजिए, और हमें आप ध्यान से सेंड कीजिए कि आपने क्या क्या वर्क किया। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई में भी ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।